फ्यूचर जी एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि आप जो भी स्टडी करते हो, जैसे अराउंड अगर आपने 6 आवर्स स्टडी करना है एक दिन में, तो आप उसे स्लॉट्स में ब्रेक करके स्टडी करो कि 3+3 आवर्स करो, एंड उस 3 आवर्स के स्लॉट में किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहने कमरे में बंद करके कमरे बैठ जाओ, एंड मोबाइल फोन बिल्कुल यूज नहीं करना ताकि डिस्ट्रैक्शन मिनिमम हो। ये चीज शुरू में करना शायद थोड़ा टफ भी हो क्योंकि आदत नहीं होती इस बात की जब आप 11th में नए नए आते हो, लेकिन जब आप एक बार इसकी शुरू कर दोगे, इसकी आदत पड़ जाएगी, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको खुद से सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। सेकंड चीज ये कि जब आप कोई एग्जाम देते हो, मिस्टेक्स तो जरूर होती है, मिस्टेक्स सबकी होती है, तो उससे कोई फ्रीक आउट होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड जो मिस्टेक्स है आप उनसे लर्न कीजिए कि आप मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं और इसका रीजन क्या, बस सिली मिस्टेक्स हैं या फिर आपको टॉपिक आता नहीं है। अगर टॉपिक आता नहीं है तो उसके कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्गर कीजिए एंड जो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करने का बस एक तरीका बहुत अच्छा है कि जब पेपर कर रहे हैं तो साथ साथ आप अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इससे आप क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को मिस नहीं करेंगे एंड फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सब कुछ माइंड में भी रहेगा एंड आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। एंड थर्ड मैं ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी एंड इंस्टीट्यूट ये सब तो होता है, लेकिन आपका एक मेंटर होना चाहिए, जैसे मेरे केस में मृणाल सर थे, कि जो आपकी सारी प्रिपरेशन को कंट्रोल करे, आप पूरा मॉनिटर करे, ताकि वो ये भी ख्याल रख पाए कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है और आप उनसे क्लोज हों, ताकि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर पाएं, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। अभी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई एक पर्सन होना चाहिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो पाएगी। मैं फ्यूचर IIT एस्पिरेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज भी कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे केमिस्ट्री में कई लोगों को लगता है कि इनऑर्गेनिक याद करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जब तक आप याद नहीं करोगे आपको आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। वो तो बेशक सिर्फ रट्टा भी मार लोगे तो भी आपका काम चल जाता है, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। एंड फिजिकल तो ईजी होता है क्योंकि वो समझना होता है, फिजिक्स एंड मैथ्स की तरह होता है, तो बस उसे आप समझ लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में आपको सब कुछ याद होना चाहिए। अब मैथ्स एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के बजाय पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड फिर उसके ऊपर एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए एंड ये इंश्योर कीजिए कि आप जो कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं वो आप सही अप्लाई कर पा रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट नहीं है। मैथ्स में तो बस कॉन्सेप्ट्स थोड़े होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि सेम चीज को मैनिपुलेट कर रखा होता है। तो आप मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपकी सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड करेंगे एंड आपकी स्पीड भी उतनी बढ़ेगी।